नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। खबर दिल्ली से है। भाजपा के पूर्व महापौर जयप्रकाश जेपी ने केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले के भ्रष्टाचारी जेल में रहेंगे। केजरीवाल ने कहा था, मुझे वोट देकर विजयी बनाए और दिल्ली की जनता ने यह बता दिया कि वो किसके साथ है। मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूँ और एक बार फिर पीएम मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। सबके सामने है, जितने भी सीटों पे बात करें, अगर दिल्ली के सातों सीटों पर दिख रहा है कि बीजेपी जीतती नजर आ रही है, अगर उस पर पहले से पहले क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली की जनता ने तय कर दिया है, शराब भ्रष्टाचार में जो जेल में गए हैं उनको जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे वोट देना तो मैं बाहर आ जाऊँगा। अब दिल्ली की जनता ने तय कर दिया है, घोटालेबाज, भ्रष्टाचार और शराब कांड में लिप्त केजरीवाल जी जेल में रहेंगे। और दिल्ली की जनता का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने दिल्ली की सातों को सातों सीटें भाजपा को जिताई। अगर हम बाकी सीटों की बात करें, इसमें से उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि 27 सीट से कहीं ना कहीं आप लोग हार रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उसमें हम लगातार जीत जा रहे हैं। कुछ सीटों पर अगर हम हार रहे हैं क्योंकि अब नतीजे तो आए नहीं है, हो सकता है बाकी जो राउंड की गिनती रहेगी उन्हें हम जीत जाएं तो उत्तर प्रदेश में अच्छे रिजल्ट रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के हर चुनाव कुछ सिखाता है। इतना बड़ा देश है, कहीं अप्रत्याशित जीत हो रही है, अब दिल्ली कहें, हिमाचल कहें, उत्तराखंड कहें, गुजरात कहें, मध्य प्रदेश कहें, उड़ीसा कहें, तो इन राज्यों में हमारी को प्रचंड जीत मिल रही है। हमारे दो राज्यों में हमारी सरकार बन रही है, तो ये भी जनता ने हमारे को जिताया, तो जनता जनार्दन का धन्यवाद फिर एक बार मोदी सरकार। क्या लगता है कि जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उस तरह से कहाँ तक सीट ले जा सकती है? बहुमत का आंकड़ा पार करेंगे और बहुमत का आंकड़ा पार फिर मोदी सरकार। सचदेवा जी, क्या कहेंगे दिल्ली के रुझान सामने आ चुका है, सुबह से लगातार तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे? दिल्ली की सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, ये बात हम पहले से कह रहे थे। दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद माननीय मोदी जी को दिया है, सातों सीटों पर कमल खिल रहा है और दिल्ली की जनता की सेवा करना हमारा काम है, हम करेंगे और अब दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, अभी पूरा रिजल्ट आने दीजिए, पूरा रिजल्ट आएगा। हमें इतना पता है कि माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।